रेट शिक्षक भर्ती पदों में की गई बढ़ोतरी, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग अपडेट आ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक और ब्रेकिंग अपडेट के साथ। तो बड़ी अपडेट मिल रही है और बहुत ही सोशल मीडिया और यूट्यूब पर बताया जा रहा है कि रेट शिक्षक भर्ती में पदों में की गई बढ़ोतरी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जारी किया ऑफिशियल नोटिस, 5 से 7 हज़ार पद बढ़ाए गए, यानी कि रीट शिक्षक भर्ती 31 हज़ार पदों के बजाय अब बड़े वे पदों पर होगी और इसके अंदर EWS आरक्षण के तहत फिर से आवेदन मांगे गए। तो बड़ी अपडेट आ रही है कि रीट शिक्षक भर्ती के अंदर 5 से 7 हज़ार पदों के अंदर तो की गई बढ़ोतरी और EWS आरक्षण के तहत फिर से मांगे जाएंगे आवेदन। तो बड़ी अपडेट मिल रही आप सभी को, सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल पर बताया जा रहा है कि रेट शिक्षक भर्ती पदों में की जाएगी बढ़ोतरी, 5 से 7 हज़ार पद और बढ़े जाएंगे और इसके अलावा EWS आरक्षण के तहत फिर से आवेदन मांगे जाएंगे। तो दोस्तों, तो बड़ी अपडेट तो मिल रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक ना तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कोई ऑफिशियल घोषणा की है और ना ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई ऑफिशियल घोषणा की है कि आपके रेट शिक्षक भर्ती के अंदर पदों को बढ़ाया जाएगा। लेकिन बहुत सारे वो सोशल मीडिया पर एक तो नोटिस तो वायरल हो रहा है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि रीट शिक्षक भर्ती में पदों में की जाएगी बढ़ोतरी। तो वो नोटिस बिल्कुल फेंक है दोस्तों, उसके अंदर ऐसी सिर्फ तो एडिटिंग वो करके बताई जा रही है, क्योंकि अभी तक ना तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने ऐसी कोई घोषणा की और ना ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है। जब भी कोई ऑथेंटिक अपडेट आएगी तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे दी जाए। अभी तक कोई भी रीट शिक्षक भर्ती के अंदर पदों में बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन ये है कि इसके अंदर आवेदन फिर से मांगे जाएगी। ये तो कन्फर्म मानिए कि इसके अंदर आवेदन तो फिर से मांगे जाएंगे EWS आरक्षण के तहत। इसके अलावा रीट भर्ती को लेकर और भी कोई नई अपडेट आएगी तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।